खुद को बनाना, दूसरा अपने मन को डिगने नहीं देना। मन डिगेगा, डिगता है। और एक बार तुम मेरे फैक्ट्री में आ गए, मेरे फर्नेस में आ गए, मेरा भट्टी में आ गए, तो तुम कितना ढीठ चीज हो मुझे नहीं पता, मैं तो गला दूंगा। वो चीज है। और उस गलने में दो रास्ता है, या तो गलोगे नहीं तो भागोगे। भागने दूंगी नहीं, मैं इधर खड़े रहूंगी। मैं दूंगी नहीं, आगे वो पीछे मैं। तो जो लोग वो मेहनत करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग उड़िया में बोलते हैं, बारम्बार पड़ुथाई तड़े उठो ही अभ्यास रबड़े। जब तक आदमी गिरेगा नहीं, हारेगा नहीं, बार बार नीचे उसका जीरो लेवल नहीं आएगा, वो कैसे उठेगा। एक पशु, एक चींटी, एक छिपकली दीवाल में उठते उठते गिरता है, उठते उठते गिरता है, फिर ऊपर उठता है। इस देश में आक्रमण करने वाले एक मुगल साम्राज्य हुए, मोहम्मद घोरी, ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है, वो 17 बार देश को आक्रमण किया, 17 बार हार गया। और ऐसा हारा कि लास्ट में उसको काटने के लिए दौड़ा है, दौड़ते दौड़ते जंगल के किसी गुफा में घुस गया, खाना नहीं पीना नहीं, गुफा के अंदर अपने को आत्मगोपन करके छुपा के बैठा है। तब तो देखा कि एक ऊपर से क्या बोलते है, चींटी नहीं, स्पाइडर, क्या बोलते उसको, मकड़ी, वो उतर रही है फिर चढ़ रही है, उतर रही है मतलब फिर चढ़ रहा है, फिर गिरे, फिर चढ़ रहा है, फिर गिरे, 17 बार। और ये अंधेरे में बैठ के क्या करेगा, गिन रहा है, 17 बार गिरा, 18 बार देखा कि चढ़ गया। मोहम्मद घोरी बोल रहा है, ईश्वर अल्लाह ने मुझे ये ज्ञान देने के लिए उसको गिराया 17 बार, मैं भी 17 बार हारा हूँ, यही मकड़ी हूँ, 18 बार में चल हो गया, उतरो लड़ो। और फिर लड़ा और देश को मोबिलाइज कर दिया। तुम एक बार गेहूं चास किया, धान चास किया, फेल हो गया, बोलता है भाग जाएंगे, किए देखे तो बोलता है किसको चलाना है, मेरा तो काम है उंगली पकड़ा हूं तेरे को खींच के लूंगा, तू बोलता है छोड़ो, नहीं हो गया। ठीक है, मेरे पास जो कराटे सीखा है, कभी टूर्नामेंट में हारा नहीं। क्यों हारा नहीं जानते हो, इतना पीटता हूं कि वहां फिर मार उसको कुछ लगता नहीं। मेरा गुरु ऐसे ही सिखाया था। हम एक बार ऐसा खड़ा हो गया, मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स हैं, ओपन वीडियो में कह रहा हूं, मैं बाराबट्टी स्टेडियम हो चाहे तलकोटरा दिल्ली का सेंट्रल स्टेडियम हो, ग्लोव्स पहन लिया, हेलमेट पहन लिया और लड़ने के लिए उतर गया, फिर सामने कौन है नहीं देखा, मार के गिराया और मेडल लेके आया। होगा भी अभी एक दो उधर कहीं कहीं होगा, देख लो मेडल सब, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मेरा गुरु इतना पीटता था, यू नेवर बिलीव, 5-6 आदमी को खिला पिला के हमें इतना पिटाया जाता था कि टूर्नामेंट का मार हमको धूल लगता था। फू गोरखा रेजिमेंट का खेम सिंह, जिसको कि कोई डरता था उसके साथ लड़ने के लिए, और मेरा गुरु को अपन चैलेंज कर लिया, तो हम उतर गया लड़ने के लिए, बोला नहीं हम लड़ेंगे, और मार के आखिरी में उसको गिराया भी, गिरा वो। मेरा वो लाइफ स्टाइल है। बाराबट्टी स्टेट फाइट में मैं खड़ा होता था, बाय गॉड कह रहा हूं, तो ओपोनेंट लोग बोलते थे कि इस पागल के साथ लड़ेगा कौन, क्योंकि जो भी सामने आया उसको मार के पैर काटने जैसे गिरा देते थे। क्यों गिराते थे, इतना मार खाए कि मार का कोई मतलब नहीं है हम लोगों की जिंदगी, कहीं भी मार लो। तो वो स्ट्रॉन्गिटी चाहिए, वो स्ट्रॉन्गिटी चाहिए तो आओ, नई स्ट्रॉन्गिटी चाहिए जाओ, बहुत भाग गए तुम भी भाग जाओ, शुरू से भाग जाओ। ठीक है, क्योंकि सुनो, एक जानते हो ना, ये विश्व का एक नियम है, वीरो भोग्या धरित्री, शेरनी हारा हुआ शेर के साथ कभी संगम नहीं करती है, क्योंकि फिर जो बच्चा पैदा करेगी ना, वो हारे हुए दुर्बल भीरू कापुरुष बॉयलर शेर होगा। जंगल का एक ही प्रिंसिपल है, वीर भोग्या धरित्री, इस विश्व को वही भोग करेगा जो वीर है। दुर्बल के साथ लॉ ऑफ नेचर कभी भी आगे जनरेशन नहीं बढ़ाता है, लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का ये नियम है। यहां इंसान है ना,
तो किसी दुर्बल कापुर उसके साथ भी कोई संगम कर लेता है। नारी कभी भी एक्सेप्ट, नारी का ओरिजिनल ब्लड क्या बोलते हैं जानते हो ना, जो 7 घंटा 8 घंटा उसके साथ वो ताकत दे सके, 15 मिनट का खेल वालों को भगा देती है। ये शक्ति नहीं हुआ बोल के तो आज जितने सारे इलीगल रिलेशन बढ़ रहा है ना। मिनिमम टाइमिंग 7 आवर, मैक्सिमम टाइमिंग इन तंत्र शास्त्र 36 आवर, 36 घंटा का रमण शक्ति कहां से आएगा जब तुम ब्लैक बेल्ट ही नहीं हो, जब तुम योगी राज नहीं हो। 16 सहस्र गोपनारी कृष्ण भगवान ऐसे ही रखे घूम रहा था, यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, कैपेबल ही नहीं हो तो तुम किस काम के हो। अरे यार तुम्हारे अंदर वो रंग रूप झुमकेगा कि बुद्धि भी आके बोलेगी एक बार नहीं है फिर किस बात का काम। और वो कब झलकेगा, जब तुम साधक बनो, मजबूती पैदा करोगे। नहीं तो नहीं हो सकता। और इसलिए कोई भी आता है यहां, मैं बोलता हूं 100 हिंजड़े रखने से अच्छा है 1 मर्द रखो। क्या हुआ परे कथा, हाँ परे कथा, इसको नहीं पहचानते हो, सब भूल गए। लौंगला दीजिए ना, लौंगला तो अदरक भी ले आना, आधा अदरक, अदरक भी। जीवन में एक बनाओ, मजबूत बनाओ, 100 दुर्बल होके कोई काम का नहीं। अभी क्या समझे आप सर इनको, थोड़ा सा उधर ऑफ कीजिए।